नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुंदन, ऑथर एवं आपका मेंटर, पटना बिहार से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फंडा मैथिक्स सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आपका मेरे इस चैनल पे आने के लिए बेहद ही धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बगल में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो मटेरियल या कंटेंट अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे तुरंत से जाएगी और आप उस कंटेंट वीडियो या मटेरियल को तुरंत से देख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन टॉपिक जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड थे, रेलगाड़ी और बोटन स्ट्रीम से रिलेटेड थे, उसके दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुछ डेटा एनालिसिस को बताऊंगा और उसके एक एप्लीकेशन को बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को देख करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में देख करके कैसे बनाएं। इसको एक बार देखें और देख करके कैसे बनाएं, इसको हम लोग सीखेंगे। जनरली हम लोग ट्रेडिशनली जो हमारा पुराना मेथड है, हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड और हमें चेंज करना था किलोमीटर पर आवर में। हम लोग क्या करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5, मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू किस में आ जाता है, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से 2 बार में यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड को चेंज करें क्या होगा, 5 इंटू 18/5, 5 से 5 खत्म यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज कैसे करेंगे, कुछ डेटा को याद रखना बहुत जरूरी है। 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, 2.5 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर, इनके भी आधा हो जाएंगे, 9 किलोमीटर पर आवर के बराबर। और इनका आधा, ढाई का आधा क्या, 1.25 मीटर पर सेकेंड किसके, इसके आधा के बराबर हो जाएंगे, 4.5 किलोमीटर पर आवर। आप एक दो बार बनाएंगे क्वेश्चन इस तरीके से, आपको खुद से ये पूरा का पूरा डेटा याद हो जाएगा। ये याद है ही, इसका आधा फिर इसका आधा, इस तरीके से आप बनाएंगे आपको ये डेटा याद हो जाएगा। होंगे, इनको याद कर रखना है, इन तीनों डेटा को। अब मैं इनके अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशन को बेसिक रूल्स को बताता हूँ। 5 से विभाजित संख्याओं को हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा 10, 15, 35 लेते हैं और इसको 5 के टेबल में ब्रेक करते हैं और हमारा 5 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर था, 18 किलोमीटर पर आवर के। तो यहाँ पे क्या, ये 5 किसके बराबर है, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो 18 के, तो 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 तिया 5, 18 के बराबर 54, और 5 18 के बराबर 18 सते 126 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए दूसरे में आते हैं हम लोग, 2.5 से विभाजित संख्या बहुत केस में आते हैं, 7.5, 12.5, 17.5, ये डेटा किस में है, मीटर पर सेकेंड में। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2.5 हम लोग डेटा देख करके समझेंगे कि किससे डिवाइड है, तीनों संख्या 2.5 से डिवाइड है। 2.5 इंटू 3, 2.5 गुना 3, 2.5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 7, और 2.5 का वैल्यू किलोमीटर में क्या था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहां भी ढाई है 9 के बराबर है,
किलोमीटर प्रति घंटा के लिए, तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, 9 सते 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। तीसरे केस में 1.25 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग जानते थे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, 3.75 मीटर पर सेकेंड, 6.25 मीटर पर सेकेंड, 8.75 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.25 के टेबल के रूप में इसको ब्रेक करेंगे, 1.25 से कितना बार गुना, 3 बार, इसके इक्वल टू इसको करेंगे 1.25 इंटू कितना बार में, 5 बार में, इसको हम लोग करेंगे 1.25 इंटू कितना बार में, 7 बार में। और 1.25 को हम लोग जानते हैं किसके बराबर है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो 4.5 × 3 13.5, 4.5 × 5 कितना हो जाएगा, 4.5 × 9 9 × 18 22। और इसको अगर हम लोग करें तो 4.5 × 6 9 तिया 27 और 4.5 31.5, तीनों वैल्यू किसमें आ गए, किलोमीटर प्रति घंटा में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं डेटा एनालिसिस को। लेते हैं हम लोग संख्या किलोमीटर प्रति घंटा वाला संख्या लेते हैं, तो 1 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक संख्या हम लोग लेते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक संख्या लेते हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। संख्या 90% केस में किससे बनेगी, 18 और 18 के टेबल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 90 108 126 144 162, इस तरीके से संख्या बनेगी। 9 से 27 9 81 45 63 117, इस तरीके से संख्या बनेगी। 4 में क्या बनेगी, 22 31.5 13.5, इस तरीके से संख्या बनेगी। तो 90% केस में संख्याएं 8 9 18 9 और 4.5 से ही आएगी, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में डेटा हो तो। इनके ही गुणांक से, इनके ही मल्टीपल से आएगी, आप क्वेश्चन बैंक को जाकर के देखना, पूरे इस तरीके से ही डिजिट आपको मिलेंगे। यदि संख्या मीटर पर सेकेंड में हो तब तो क्या 5 2.5 1.25, 5 के मल्टीपल क्या, 10 15 20 35 40 45, इस तरीके से। 2.5 के कितने, 37.5 17 12 62 87, इस तरीके से डिजिट्स होंगे। बड़े डिजिट्स नहीं होंगे, 30 से नीचे के ही होंगे, लेकिन आ सकते हैं इस तरीके से। और 1.25 से क्या हो सकते हैं, 1.25 3.75 8.75 18.75 13.75, इस तरीके से बहुत सारी संख्या आ सकती है, जिसको अब आप बहुत ही सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में इनके वैल्यू इसके बराबर होंगे, 9 के बराबर होंगे, और ये 4.5 के बराबर होंगे। तो किलोमीटर पर आवर में हो तो इनके टेबल से होंगे, और मीटर पर सेकेंड में हो तो इनके ही टेबल से होंगे क्वेश्चन। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं तो इसको आप मैन्युअली मेंटली बिना किसी कैलकुलेशन के देख करके तुरंत से वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपने कन्वर्ट कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन को आप देख करके बना सकते हैं। अब चलिए एक एप्लीकेशन को मैं बता दूं। एक क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, एक प्रश्न के एक प्रश्न है क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है,
और एक लड़का है जो 7.5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहा है। ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है, तो समान दिशा में ट्रेन कितनी देर में इस लड़के को पार कर जाएगी। ट्रेन की एक चाल है ये, लड़के की एक चाल है ये, और ट्रेन की लंबाई है ये, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ट्रेन उस लड़के को दौड़ते हुए लड़के को कितनी देर में पार कर जाएगी, ये हमें निकालना है। हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है? स्पीड, सापेक्ष चाल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? लेंथ, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब इस क्वेश्चन में मास्टरी क्या है? स्मार्ट क्वेश्चन है ये। इसमें मास्टरी ये है कि एक डेटा किलोमीटर पर आवर में और दूसरा डेटा है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन फिर क्या हो जाएगा? टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट हमारे पास अब कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको देख करके बना सकते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये क्या है हमारा? 18 54 कॉन्सेप्ट से। 18 का मतलब क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। या तो आप इनको मीटर पर सेकेंड में बदलें या इसको किलोमीटर पर आवर में बदलें। इसको करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है। तो 18 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर, तो 5 * 15 यानी ट्रेन की स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, लड़के की स्पीड हो गई 7.5 मीटर पर सेकेंड, और रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? समान दिशा के लिए हम लोग घटाएंगे बड़ी चाल में से छोटी चाल को, कितना? 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये चाल हो गई। और इसी चाल से ट्रेन किसको पार करेगी? अपनी ही लंबाई को पार करेगी, और अपनी लंबाई को पार करने में ट्रेन के द्वारा जितना समय लगेगा वही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा, आंसर होगा। तो अब हमारा टाइम बराबर क्या? d/s। सापेक्ष चाल, डिस्टेंस कितना है? 225 मीटर, और सापेक्ष चाल क्या है? 7.5। आप इसको काटे 3 बार में डिसिमल से 1 0 यहाँ पे, यानी 30 सेकेंड में ट्रेन इस लड़के को पार करेगी, और हम लोग बहुत ही आसानी से इसको देख करके बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सभी ग्रुप में इसे शेयर और लाइक कीजिएगा। यदि आपके कोई सुझाव, शिकायत या कोई भी प्रश्न हो, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना हो, तो कृपया मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।